राधे राधे दोस्तों, मैं इलेक्ट्रोमोपैथ डॉक्टर आर बी गोस्वामी ग्रुप के सभी सम्मानित चिकित्सक बंधुओं का और यूट्यूब्स पर हमारे सभी चाहने वाले फॉलोअर्स का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथियों, अब हम सप्ताह में एक बार ही जो है वीडियो लेक्चर लेकर के आएंगे, इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि तकरीबन जो है हम डिजीज को कवर कर चुके हैं और कोई अगर अभी बचती है, शेष रहती है, तो उस पर भी हम आने वाले वीडियो में, आगे जो हमारे वीडियो आएंगे उनमें चर्चा जरूर करेंगे। और सभी साथियों से ये मेरा निवेदन रहेगा कि आप जिनका पहले जो है वीडियो लेक्चर हो चुका है या बुक में जो आ चुकी हैं, उनको छोड़ करके कोई नई उस पर रीज पर आप चर्चा कराना चाहते हैं, तो आप हमें जो है अपना सुझाव भेज सकते हैं, उस पर भी हम जो है विचार करेंगे, और यदि उचित पाया तो हम उस पर ज़रूर जो है आख्यान देने का प्रयास करेंगे। साथियों, अक्सर बार बार जो है ये हम चिकित्सकों के सामने प्रॉब्लम आती है कि हम ट्रीटमेंट करते हैं और दवाइयों का सिलेक्शन हम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है हमें अपेक्षित परिणाम जो है नहीं प्राप्त होते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमने क्या करना चाहिए? साथियों, इलेक्ट्रोमोपैथी में मेडिसिन भले ही जो है 38 हो, लेकिन इनका प्रयोग विस्तार पूर्वक किया जाता है। जितना आसान ये पैथी लग रही है, उतनी ये आसान है नहीं। जब तक हम इस इलेक्ट्रोमोपैथी रूपी सागर में गहराई में नहीं उतरेंगे, तब तक जो है हमें इसकी संपूर्ण जानकारी मिलना असंभव है। और इसी कारण जो है इलेक्ट्रोमोपैथिक चिकित्सक जो है वो सफल नहीं इसके अंदर हो पा रहे हैं और मायूस होकर के वो दूसरी पैथी की ओर भागने लगते हैं। देखिए साथियों, इस पैथी में धैर्य की आवश्यकता है। अगर एक डिजीज में हमें परिणाम नहीं मिलता, तो जो है हमें अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए और इसके प्रति जो है हमें शंका नहीं होनी चाहिए कि इस पैथी में कुछ नहीं होता है। साथियों, हमारे ग्रुप में 450 डॉक्टर हैं दोनों ग्रुपों में, और जो हमारा एक्टिव ग्रुप है उसमें लगभग सभी हमारे साथी जो है अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं और अच्छे परिणाम भी प्राप्त कर रहे हैं। अपना फीडबैक भी हमें समय समय पर जो है व्हाट्सएप के माध्यम से देते रहते हैं, ताकि और साथियों को भी जो है उसे मोटिवेशन मिले। तो आज हम एक बार फिर से जो है ये चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से जो है हम अपनी प्रैक्टिस को जो है अच्छी बना सकते हैं, गुणवत्ता पूर्वक जो है उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं, किस प्रकार से हम परिणाम उसमें प्राप्त कर सकते हैं। तो आज छोटी छोटी बातों पर जो है हम चर्चा करेंगे। आज हम किसी रोग के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ साथी हमारे जो हैं वो बाद में ग्रुप में जुड़े हैं, और वो ऐसा ही उनके साथ में होता है कि जो हमने बुक में बता दी है या जो वीडियो लेक्चर में ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बताया है, कुछ में उनको परिणाम मिल जाते हैं और कुछ में नहीं मिलते हैं। साथियों, ये जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बताए जाते हैं, ये
जो है हमारे साथियों के द्वारा और हमारे जो सीनियर डॉक्टर हैं उनके द्वारा जो है ये प्रयोग किए गए हैं और इनके अच्छे परिणाम हमें मिलते हैं, इसलिए हम भी जो है इन्हीं ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को जो है इसी रूम में जो है आप लोगों को भी बताते हैं। तो किसी में अगर आपको परिणाम ना मिले तो वहाँ पर आपको हतोत्साहित होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। कोई बात नहीं, एक डिजीज में आपको अगर परिणाम नहीं मिलते हैं तो कोई बात नहीं, दूसरी में मिलेंगे, तो उस एक के पीछे कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए और अपना जो है पैथी पे आगे की तरफ जो है बढ़ता रहना चाहिए। तो इसी श्रृंखला में आज जो है हम साथियों इसी क्रम में आज जो है बात करेंगे कि क्या कैसे जो है हम अपनी प्रैक्टिस को जो है गुणवत्ता पूर्वक बना सकते हैं। तो सबसे पहले साथियों क्या है कि हमें जो है औषधियों का चुनाव करना आना चाहिए, औषधियों का चुनाव जो है हमें अच्छी तरह से करना चाहिए। यदि औषधियों का चुनाव नहीं हुआ तो फिर ट्रीटमेंट भी जो है वो सफल नहीं होता है। तो डॉक्टर काउंट सीजर मैटी जी ने जो 38 मेडिसन बेसिक बनाई हैं उन मेडिसन्स को डॉक्टर काउंट सीजर मैटी जी ने दो भागों में बांट दिया कि कुछ औषधियाँ ऐसी हैं जो अंगों की कार्यक्षमता को प्रभावित करती हैं और कुछ औषधियाँ उन्होंने ऐसी निकाली हैं जो अंगों की रचना को प्रभावित करती हैं। तो इस औषधियों को जो है दो भागों में उन्होंने बांट दिया, जो अंगों पर कार्य करती हैं जैसे हमारी स्कोरोप्लोसो है, एंजियोटिको है, लिम्फोटिको है, पेटोराल है, वर्मीफुगो वगैरह है, ब्लू इलेक्ट्रिसिटी है, रेड इलेक्ट्रिसिटी है, येलो इलेक्ट्रिसिटी है, तो इस तरह की जो औषधियां हैं ये सभी जो है अंगों की कार्यक्षमता को बढ़ाती हैं। तो साथियों कोई पेशेंट हमारे पास आता है तो सबसे पहले जो है हमने अंगों की कार्यक्षमता को देखना होगा, कौन सा अंग उस रोग के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल है, ये चीज़ें हमें जो है वहाँ पर ध्यान देनी होगी। और जब हमें ये पता चल जाएगा कि ये अंग जो है इस डिजीज के लिए जिम्मेदार है, वो फिर उस अंग का जो है हम उस ऑर्गन का जो है उसकी कार्यक्षमता देखते हैं, उसकी कार्यक्षमता अधिक है या उसकी कार्यक्षमता कम है, उसके अनुसार फिर हम जो है औषधि का चुनाव करेंगे। इनको हमें जो है स्ट्रोंग डाइल्यूशन देना है या हमें इसको वीक डाइल्यूशन देना है। इसके साथ साथ में साथियों दूसरी जो मेडिसिन है वो अंगों की रचना की मेडिसिन है। अब उस अंग का भी हमें ये देखना है कि उस अंग की जो बनावट की स्थिति कैसी है, उसमें इन्फ्लामेशन है, उसमें सूजन है, उसमें सीस्ट है, या वो पहले से आकार में जो है सामान्य आकार से जो है वो छोटी हो गई है, सिकुड़ गई है, श्रिंक हो गई है। तो दोनों स्थितियों को हमने देखना है और उसके अनुसार ही औषधियों का चुनाव हमने वहां पर करना है। तो यहां पर हम जो है एक तो ऑर्गन के कार्य को प्रभावित करने वाली औषधि को और एक जो है उसके रचना को प्रभावित करने वाली औषधि का यहां पर हम सिलेक्शन करते हैं। तो इसके साथ साथ में साथियों एक जैसे डॉक्टर काउंट सीजर मैटी जी ने का जो प्रिंसिपल है सिद्धांत है कि विशेषण ऑफ द लिम्फ एंड ब्लड इज द काज ऑफ डिजीज, यानी कि रस और रक्त की अशुद्धता ही रोग का मुख्य कारण है, इसके अलावा एक्सीडेंट को छोड़ करके और कोई कारण हो ही नहीं सकता। तो लिम्फ और ब्लड को शुद्ध करना भी जरूरी है। तो साथियों जब भी हम कोई ट्रीटमेंट करते हैं हमने
तो आप लोगों के लिए पहले से ये जो है मटेरियल तैयार करके आपको जो है कंपोजिशन दे दिया है बीपी और बीसी। साथियों इन औषधियों को देने के बाद में आपको कुछ सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। यदि आपको रोग बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है क्या है, तो उस समय आप उस रोगी को बीपी और बीसी दे दीजिए, तो साथियों उससे भी उसको आराम होगा। ये 100% जो है सत्य है, उसको किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। जब आपके पास में आएगा तो कुछ न कुछ उसको फायदा ही होगा, उसका लाभ मिलेगा उसको। इसके अतिरिक्त साथियों आपको ये भी देखने की आवश्यकता है, वहाँ पर अगर आपको बाद में समझ में आ जाता है उस पर स्टडी करें, पेशेंट को दवा दे करके घर भेज दें और उसके बाद उस केस पर स्टडी करें, जो उसकी रिपोर्ट्स वगैरह हैं या उसकी बातों से जो है अंदाज़ा लगाया जा सकता है, उसकी फिजिकल जो है बॉडी है उससे पता चलाया जा सकता है, तो फिर अच्छी तरह से सोच विचार करके जब एक हफ्ते के बाद में वो पेशेंट आता है तो कौन सा अंग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उस अंग की कार्यक्षमता क्या है, उसकी जो है रचना की बनावट जो है बनावट कैसी है, इन चीज़ों का वहाँ पर आपको देख करके जो है उसकी दवा सेलेक्ट करनी है। बीपीबीसी को फिर भी चलने दीजिए आप, उसके साथ में ये भी दे दीजिए। तो साथियों ऐसा सोच करके ऐसा ध्यान रखते हुए यदि हम चिकित्सा करते हैं तो हमें 100% परिणाम मिलेंगे। और साथियों एक बात का यहाँ पर और ध्यान रखना है, मैं जो हमारे ग्रुप में साथी जब किसी रोग के बारे में सलाह लेते हैं तो मैं उनको विशेष रूप से ये बोलता हूँ कि खान पान का विशेष ध्यान रखें, खान पान का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि जब तक खान पान आप उस रोगी का नहीं चेंज करेंगे तब तक उस रोगी को पूर्ण लाभ होने की संभावना नहीं है। तो साथ साथ में जो है खान पान का भी ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि जो हम खान पान खाते हैं जिसे हमारा रस और रक्त जो अशुद्ध हो चुका था, उस खान पान से उस रस और रस को और रक्त को जो है शुद्ध होने में बहुत जो है वो औषधियों की सहायता करता है, औषधियों के लिए वो हेल्पफुल रहता है और रोगी जो है बहुत जल्दी भी ठीक हो जाता है, ऐसा हमने देखा है। तो ये आज से ध्यान रखना इस चीज़ का कि जब भी आप किसी का ट्रीटमेंट करें खान पान का विशेष ध्यान रखें, उसके लाइफस्टाइल का विशेष ध्यान रखें, वो किस प्रकार का कार्य करता है, किस प्रकार का उसका आहार व्यवहार जो है रहता है, इस चीज़ पर भी ध्यान देना जरूरी है। इसके साथ साथ में साथियों जो है रोग की अवस्थाएं आके आती हैं कि रोग की अवस्था कैसी है, रोग अक्यूट है, सबअक्यूट है या क्रोनिक है या डीजनरेटिव है, जैसे भी है उसके अनुसार जो है हमें औषधियों का जो है वहाँ पर सिलेक्शन करना आवश्यक हो जाता है। और साथियों जैसे कोई सपोज करो कि हाइपर स्टेज की जो डिजीज होती है, यानी कि हमारा जो स्ट्रक्चर है बॉडी स्ट्रक्चर है जब ये सामान्य रूप में कार्य करता है, लिम्फ और ब्लड शुद्ध होते हैं, सामान्य रूप में कार्य करता है तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। और जब इस शरीर के अंदर कोई ऐसा अस्थायी परिवर्तन आ जाता है, चाहे वो हाइपर स्टेज का हो या फिर हाइपो स्टेज का हो, तो उस स्थिति में जो है ये शरीर रोगी हो जाता है। हाइपर स्टेज जिसको हम अति रोग बोलते हैं, जैसे इसमें जो है अंगों के कार्य की अक्षमता जो है बहुत अधिक बढ़ जाती है, उसकी जो बनावटी स्थिति है अंगों की ऑर्गन की वो भी ज़्यादा बढ़ जाती है, सूजन आ जाती है, इनलार्जमेंट हो जाता है, हिपेटोमैगली वगैरह है जैसे
स्प्लीनोमेगली वगैरह है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर है, हाइपर एसिडिटी है, बहुमूत्र है, तो इस तरह के जो रोग है साथियों वो हाइपर स्टेज के रोग हैं। अब यहाँ पर जो है हमने जो है दवा की मात्रा लाइट में देनी है, क्योंकि लाइट में दवा की मात्रा हम देंगे तो वो ऑर्गन के फंक्शन को, ऑर्गन की कार्यक्षमता को नियंत्रण में लाएगा और जो है सामान्य अवस्था में आने पर शरीर को वो जो है उस रोग को दूर करेगा। दूसरा जो है हमारा हाइपो स्टेज, जिसको बोलते हैं हाइपो डिजीज, इस अवस्था में जो है रोग की अवस्था जिसमें हमारा जो ये रोग है सामान्य से जो है कम जो है हाइपो स्टेज में हमारी बॉडी चली जाती है, यानी कि सामान्य से कम कार्य करने लगती है, तो उस रोग को जो हम हाइपो स्टेज बोलते हैं, हाइपो डिजीज बोलते हैं। इसमें अंगों की जो कार्य क्षमता है वो सामान्य से घट जाती है, अंग जो हैं वो सामान्य से जो है उनकी रचना जो है वो भी सिकुड़ जाते हैं, छोटे पड़ जाते हैं, जिसके कारण से शरीर में जो है शरीर की जो कार्य क्षमता है वो सामान्य से जो है न्यून हो जाती है। जैसे लो बीपी है, कॉन्स्टिपेशन है, एनीमिया है, और किडनी फेलर है, जैसे किडनियां काम करना बंद कर देती हैं, अक्षमता घट जाती है उनकी। तो साथियों ऐसे में जो है दवा की मात्रा जो है वो स्ट्रोंग में हमने यूज करनी है, ताकि वो उस अंग के कार्यक्षमता को बढ़ा करके जो असमानता आई है उस असमानता को वो दूर कर देगा। जैसे लिखा है कि द डिजीज विल बी सीवर टू विन द सेम माइक्रोडोज ऑफ मेडिसिन विल हैव टू बी गिवन, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि बीमारी जितनी अधिक गंभीर होगी दवा की मात्रा उतनी ही सूक्ष्म होगी और जो है रोगी को बार बार देनी होगी। तो साथियों इस प्रकार से जो है हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। रोग की जो अवस्थाएं हैं वो रोगी की प्रकृति है, जैसे टेम्परामेंट को ध्यान में रखते हुए, रोग का निदान डायग्नोस और डिजीज का ध्यान रखते हुए अच्छी तरह से उसका जो है डायग्नोस होना चाहिए, रोग की स्थिति को जान जो है जानकारी होनी चाहिए, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पेशेंट रोगी की प्रकृति और औषधियों का चुनाव करने की जो है उसमें अक्षमता एक अच्छे चिकित्सक में होनी चाहिए, तभी जो है वो एक सफल चिकित्सक बन सकता है। तो इस विषय पर साथियों आज हमने ये चर्चा की। उम्मीद करता हूँ कि आगे आप इस प्रकार की जो प्रॉब्लम्स आपके सामने आती हैं तो उसको जो है आप समझ पाएंगे और अपनी समस्या को आप सॉल्व कर पाएंगे। तो आज के लिए साथियों बस इतना ही। राधे राधे।